हालात की गंभीरता को समझ मेरा दोस्त उसी समय जर्मन एम्बेसी गया और उन लोगों को इस बात की सूचना दी। जर्मन्स को मेरे चाइना की सारी कहानी पता होने की वजह से उन लोगों को भी खतरे का अंदाजा था जब मैं फिर चाइना के हाथ में लग जाऊंगा। उन लोगों ने यह फैसला लिया कि अगले दिन सुबह चाइनीज अधिकारियों के आने से पहले वो लोग वहां पहुंचेंगे और चाइनीज को इस बात की सूचना देंगे कि मैं जर्मन के अधिकार में हूं और मेरा केस वो लोग देख लेंगे। जब वार्डन ने देखा कि दो एम्बेसी के बीच में मुझे लेकर तर्क है तो उन्होंने चाइनीज एम्बेसी से कहा कि उनके मुझसे मिलने का ये अच्छा समय नहीं है। उन लोगों ने किसी दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट मांगा। मैं वार्डन से मिला और साफ साफ बताया कि मैं चाइनीज एम्बेसी में किसी से नहीं मिलना चाहता। वार्डन ने उन लोगों को फोन करके कहा कि यून तुम लोगों का धन्यवाद देना चाहता है कि तुम लोगों ने उसकी भलाई चाही, मगर वो अब एक जर्मन सिटीजन है और वो यही चाहता है कि उसके केस का समझौता जर्मन एम्बेसी ही करे, मगर चाइनीज ने हार नहीं माना। जब उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो वो लोग मेरा केस अपने हाथ में लेने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए ताकि वो बर्मिस अधिकारियों को मुझे उन लोगों के हाथ में देने के लिए मनवा पाए। बर्मिस के सामने बड़ा चुनौती था। एक तरह से वो जर्मन को खुश करना चाहते थे और साथ ही दूसरी तरफ अपने विशाल उत्तरी पड़ोसी के दबाव में थे। प्रभु की करुणा से चाइनीज अधिकारी को कभी मुझे देखने और मुझसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। वैसे तो सामान्य रूप से किसी भी कैदी को एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा सब कुछ दिनों तक ही रखा जाता था, मगर मेरे केस में अधिकारी लोग थोड़े उलझन में थे कि मेरा क्या करना है। मुझे वहां एक महीना रहना पड़ा। इस समय मुझे मेरा बाइबल दे दिया गया। मैंने इस समय को पहले सैमुएल, एस्तर, योहन्ना और गलातियों को याद करने के लिए इस्तेमाल किया। म्यांमार के कैदियों को खाना नहीं मिलता था। हमें जेल के बाहर लगे दुकानों से खुद के लिए खाना खरीदना होता था। चार दिन में सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए नहाने का मौका मिलता था। वो 2 मिनट का इंतजार था क्योंकि वहां बहुत गर्मी और उमस होता था। मेरे बर्मिस दोस्तों ने कहा, 1 महीने के बाद तुम्हें जरूर रिहा कर दिया जाएगा, मगर उन लोगों की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। रिहा करने के बदले मुझे म्यांमार के बड़े जेल में भेजा गया जो कि यंगून सिटी के बीच में था। वहां 10,000 कैदी थे। कोई शब्द नहीं है मेरे पास जिससे मैं वहां के हालत की वास्तविकता समझा पाऊं। कई कैदियों को एड्स था, बड़ी संख्या में लोगों को कुष्ठ रोग था। हर किनारों के अंधेरे से गले हुए शरीर की बदबू आती थी जहां मरने के लिए कुछ मूल्यवान आत्माओं को छोड़ा गया था। 100 कैदियों को एक सेल में डाला गया था। एक भी व्यक्ति अपने पीठ में नहीं सो सकता था। एक तरफ करके जहां एक का पैर और दूसरे का सर हो, ऐसे सोते थे। हम एक कैन के अंदर जैसे मछली को पैक किया जाता था वैसे ही थे। अगर रात को कोई एक भी कैदी थोड़ा ज्यादा जगह ले ले या कुछ ज्यादा ही खास ले तो उसके चारों ओर पड़े लोग उठकर उसे मारने लगते। मैं चाइना के कई जेलों में जा चुका हूं, मगर यहाँ के इस बुरे जीवन की दशा से कोई भी मेल नहीं खा सकता। यंगून, जिसे बाद में रंगून भी कहा जाता है, वो पूरी दुनिया का सबसे गर्मी और उमस वाला जगह है। यहाँ का तापमान रोज 30 डिग्री सेल्सियस और 80-90% आर्द्रता होता है। हम लगातार पसीने से लथपथ रहते थे और सबसे बुरा चीज मेरे साथ यहाँ हुआ कि मुझे मेरा बाइबल जेल में लाने की अनुमति नहीं मिली। आपको ये सुनने में थोड़ा अंतर्विरोध, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो लगेगा, मगर हालांकि मैं यहाँ प्रभु की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से था, मगर फिर भी मैंने महसूस किया कि मैं यहाँ प्रभु की योजना के अनुसार ही आया हूँ ताकि मैं इन हताश कैदियों के बीच प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन पाऊं, और इसी कारण से मैं इस निराशाजनक स्थान में हूँ। 1997 में मेरे चाइना को छोड़ने से पहले प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे एक नए जगह भेजूंगा जहाँ के लोगों की भाषा का एक शब्द भी तुझे समझ में नहीं आएगा, और अब मैं ऐसी ही जगह पर हूँ। म्यांमार के जेल में मेरा सबसे बड़ा भार यही था कि मैं दूसरे कैदियों से बात नहीं कर पा रहा था, अपनी बातें उनको समझा नहीं पा रहा था। इस सेल में बहुत से हताश लोग थे। एक ड्रग स्मगलर जिसे 387 साल का सजा सुनाया गया था, कई और जिन्हें 160 साल का सजा सुनाया गया था। म्यांमार एक बुद्धिस्ट देश था
और वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इस कदर अधिक सालों की सजा इसलिए बनाया गया ताकि अपराधी सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि आगे आने वाले जन्मों में भी वो सजा के पात्र रहे। हमारे स्थल के किनारे एक बुद्धा का मंदिर था जिस पर एक मूर्ति भी रखी हुई थी। जब कुछ कैदियों को पता चला कि मैं क्रिश्चियन पास्टर हूं तो उन लोगों ने मुझे उस मंदिर के ठीक नीचे जगह दी। उनको लगा कि मुझे धार्मिक कार्यों का ज्ञान उनसे ज्यादा होगा। वो लोगों को सच्चे जीवते परमेश्वर और मूर्ति पूजा का फर्क नहीं पता था। रोज 3 बार सुबह के 5 बजे से 6 बजे के बीच, दोपहर के 1 बजे और रात को 7 से 8 बजे सभी कैदियों को बुद्धिस्ट मुद्रा में जबरदस्ती उस मूर्ति के सामने बैठाया जाता था ताकि प्रार्थना और ध्यान करें। म्यांमार के सरकार को लगता था कि अपराधियों को बुद्धा से प्रार्थना करवाकर उन लोगों के मन को बदला जा सकता है। अगर इस समय कोई भी कैदी सो जाए तो गार्ड उसको बहुत मारते थे। एक दूसरा कैदी जो थोड़ा थोड़ा चाइनीज बोल सकता था, उसका सहारा लेकर मैंने गार्ड से इसका कड़ा विरोध किया। मैंने कहा, मैं क्रिश्चियन पास्टर हूं, मैं तुम लोगों की तरह आराधना नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे घसीट कर इस मूर्ति के सामने जंजीर में भी डाल दो तो भी मैं इसके सामने प्रार्थना नहीं करूंगा, न ही इसकी आराधना करूंगा। एक दिन जब दूसरे कैदी बुद्धा के सामने ध्यान कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक सिंपल सा साधारण सा धुन दिया। मैं जैसे ही ये गाना गाने लगा, प्रभु ने मेरे दिल को एक चिड़िया के समान आजाद कर दिया। मेरे जहन में खुशी उमड़ने लगा। मैं महसूस कर रहा था कि प्रभु दूसरे लोगों के हृदय को भी छू रहे हैं। हालांकि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों का मतलब उन लोगों को नहीं पता था, फिर भी कुछ और कैदी मेरे साथ ये गुनगुनाने लगे। जल्द ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। इस साधारण से गाने ने पूरे कमरे में भरे कठोर हृदय वाले पापियों को शांति और खुशी देनी शुरू कर दी। गार्ड तुरंत वहां पहुंच गया और बोला, अभी ये सब बंद करो, जेल में गाना मना है। मैंने जवाब दिया, मैं क्रिश्चियन पास्टर हूँ, जब लोग यीशु के बारे में गाते हैं तो ये उनको पसंद है, इसलिए कृपया मेरे हालातों को समझे, कृपया मुझे जैसा प्रभु ने बताया है उस हिसाब से अपने धर्म का पालन करने दीजिए। प्रभु की दया से उसे मेरा निवेदन सही लगा और मुझे गाना जारी रखने की अनुमति दे दी। आगे आने वाले दिनों में जेल के सभी कैदी हालेलुया गाने में शामिल हो गए। उनके दुखी चेहरे खुशी में बदल गए। हर दिन कुछ घंटों के लिए उनकी पीड़ाएं हट जाती थी। सेल का पूरा वातावरण बदल गया। जब दूसरे कैदियों ने देखा कि जीसस की उपस्थिति मुझ में है तो वो लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इज्जत देने लगे जो परमेश्वर को जानता है। हमारे जेल के कंपाउंड में एक छोटा सा चैपल था। जब बाकी कैदी बुद्धा से प्रार्थना करते थे तो मुझे वहां जाने की अनुमति होती थी। वहां मैं दूसरे बर्मिस क्रिश्चियन से मिला जो दूसरे कारणों से वहां थे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे कई सेलमेट्स, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क तक रोज मेरे साथ चैपल आते ताकि वो मुझे गाते सुन सके। उनको पता था कि मेरे दिल के अंदर कुछ तो अलग है और वो क्या है वो जानना चाहते थे। जब मैं यीशु से दुआ मांगने के लिए घुटना टेकता तो वो लोग भी मेरे बगल में घुटने टेकते, ये सोचकर कि मेरे प्रभु से कुछ आशीष वो भी पा सके। भाषा ना आने की वजह से मैं अच्छे से सुसमाचार नहीं सुना पाता था, मगर प्रभु आत्मिक रूप से भूखे लोगों को तृप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। हर कुछ हफ्तों में विदेशी कैदियों को पूछताछ के लिए टाउन के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता था। वहां से वापस जेल में आते समय हमें एक दुकान में रुककर अपने और बर्मिस कैदियों के लिए सामान खरीदने का अवसर दिया जाता था। एक बार तो मैं अपने खुद के पैसे से 40 से ज्यादा टूथब्रश, दर्जनों नहाने के साबुन, बड़े बोरे में मेरे सेलमेट्स के लिए भोजन की सामग्री लेकर आया, क्योंकि कई कैदी लोग भूख से मर रहे थे, सिर्फ यही था उनका भोजन। यहाँ दूसरी तरफ मेरे केस का सब कंफ्यूजन में पड़ा था। अभी तक मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था। कई बार तो मेरे बर्मिस दोस्तों को लगता कि मैं जल्दी छूट जाऊंगा, मगर हर दिन बिना किसी बदलाव के बीतता जा रहा था। जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि मेरा केस पूरी तरह सिर्फ प्रभु के हाथ में है। मुझे पता था कि प्रभु ने जो मेरा मिनिस्ट्री उस जेल में रखा है वो जैसे खत्म होगा वैसे ही मैं छूट जाऊंगा, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद।
यहाँ जेल के गंदे उमस से भरे हालत में बीमारियां और कीटाणु बहुत जल्दी फैलते थे। उसी वजह से महामारी होता था। कई कैदी महामारी से मर गए। संक्रमण आदमियों के अंदर उनके पिछले भाग से उनके गुप्तांगों से घुसता था। कई हफ्तों बाद जब संक्रमण बढ़ता था तो रात को कैदी की मौत हो जाती थी। वो बीमारी पेट में आग की तरह जलता था। बीमार व्यक्ति मरने से पहले जमीन में अपनी पीड़ा की वजह से पूरा लोटा करता था। मैं भी उस समय इस बीमारी से ग्रसित हो गया। महीनों ठोस आहार में पचा नहीं पाता था। जो मैं कर सकता था वो ये कि बाकी कैदियों के साथ वहां लेटा पूरा खुजलाता रहता। पर जीवी पैरासाइट अनियंत्रित रूप से मेरे शरीर में भर गया। कई बार तो जब मैं अपने पेट में देखता था तो वर्म को कीड़ों को अपने चमड़ी के अंदर चलते हुए देख सकता था। कभी कभी तो उसके छोटे पूंछ मेरे चमड़ी के छेद से बाहर भी दिखते थे। ये बहुत ही गंदा समय था, मगर फिर भी मैं प्रभु में खुश रहने की कोशिश करता। 80% से ज्यादा कैदी इस बीमारी से ग्रसित थे। मैं इतना बीमार हो गया था कि उस दिन मैं बेहोश हो गया। 5 दिन बाद मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जेल के हॉस्पिटल में पाया। कई महीनों उस जेल में काटने के बाद आखिरकार मेरी सुनवाई का दिन आया। मेरे बर्मिस दोस्त को लगा कि मुझे फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उस समय मुझे क्या उम्मीद करना चाहिए। मैंने बस अपना जिंदगी प्रभु के हाथ में सौंप दिया। मुझे हथकड़ियों में हॉस्पिटल से कोर्ट में ले जाया गया। जज ने मेरा केस पढ़ा और बिना किसी भाव के कह दिया 7 साल। मेरे बर्मिस दोस्त और मेरे वकील एकदम बिखर गए। उन लोगों ने ऐसे फैसले की कभी उम्मीद नहीं की थी। उनको बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, बस आंखों में आंसू भर वो मुझे देखते रहे। उस दिन मैं विश्वास में पूरी तरह भरा हुआ था। मुझे पता था कि चाहे कोई भी फैसला आए, प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने जज के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ योर ऑनर कि आपने अपने देश में मुझे 7 साल रहने का वीजा दिया। जज के हाथ हिलाते ही गार्ड मुझे हथकड़ियों में वापस जेल के हॉस्पिटल में लेकर आए। जब मैंने अपने सेलमेट को अपनी सजा का साल बताया तो वो मेरे लिए खुश हुआ। उसको 150 साल की सजा सुनाई गई थी। मेरे दिल में मैं यही सोच रहा था कि मैं अपनी अनज्ञाकारिता का सबक जितनी जल्दी पढ़ लूं, उतनी जल्दी प्रभु मुझे यहां से आजाद कर देंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना लंबा सजा मिलेगा। मैंने प्रभु से शिकायत की, स्वर्गीय पिता, मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपनी अनज्ञाकारिता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझ में अपनी दया को उड़ेले, मुझे अपने घर जाने दे, प्लीज। जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे साफ नजर आता है कि मेरा म्यांमार के जेल का वो समय प्रभु के द्वारा दिया गया मिशन ट्रिप था। यह कोई दुर्घटना नहीं था कि प्रभु ने मुझे अंधेरी जगह में फेंक दिया। बहुत सी दुखी आत्माएं वहां थी जिनको यीशु को जानना जरूरी था। मैंने सुना कि वहां उस जेल में सिंगापुर से आए 5 चाइनीज लोग हैं। वो 5ों को ड्रग्स स्मगलिंग के लिए 50 से ज्यादा साल की सजा सुनाई गई थी। वो लोग जवान लोग थे, करीबन 30 साल के थे। कई साल वो लोग इस जेल में बिता चुके थे। एक दूसरा चाइनीज व्यक्ति जो ताइवान से था, वो 40 साल का था। उसे 100 साल की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि ये लोग चाइनीज थे, चाइनीज में बात कर सकते थे, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए व्याकुल था। आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए कैदियों को अलग से ही छोटे से कमरे में रखा जाता था। इस वजह से उन तक पहुंच पाना मेरे लिए मुश्किल था। प्रभु की दया से न केवल मैंने ये सुना था कि जेल में चाइनीज कैदी है, बल्कि उन लोगों ने भी सुन रखा था कि यहाँ एक चाइनीज पास्टर है जो यीशु से प्यार करते हैं। जितना मैं उनसे मिलना चाहता था, उतना ही वो लोग भी मुझसे मिलना चाहते थे। जब उनको पता चला कि मैं जेल के हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, तो वो मुझसे मिलने और बाहर की दुनिया की खबर लेने के लिए बीमारी का नाटक कर जेल के हॉस्पिटल में जांच करवाने पहुंचे। मैंने जैसे ही उन लोगों को देखा, मेरा दिल प्रभु के प्यार से भर गया। वो लोग एक घायल जानवर की तरह थे, रूह से टूटे हुए थे। उनके सामने जीने का कोई कारण नहीं बचा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, जोर से उनके गले लग गया। प्यारे भाइयों, तुम लोग अनुग्रहित हो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी माफी स्वर्ग से पहुंच चुकी है। वो लोग उत्तेजित हो गए। उनको लगा कि मैं शायद उन लोगों को ये बोल रहा हूँ कि बर्मिस अधिकारियों की तरफ से उनको माफी मिल चुकी है। मैंने उनसे आंखों में आंसू भर कहा, प्यारे भाइयों, धरती के अधिकारियों के साथ तुम्हारे हालात कैसे हैं मैं नहीं जानता,
मैं बस इतना कहने आया हूँ कि यीशु मसीह ही सच्चा और सनातन न्यायाधीश है। उसने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है, वही माफ करने वाला प्रभु है। उन लोगों ने कहा, हम ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जो बुद्ध को मानते हैं, मगर उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की, हम कैसे यीशु को अपना सकते हैं। मैंने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया और कहा, जब तुम मरोगे तो तुम्हें अब कोई यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी, तुम यीशु में अनंत जीवन पा सकते हो। सिर्फ यीशु ही तुम्हें बचा सकता है। उसमें से एक व्यक्ति मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा, ओ पास्टर, मुझे पढ़ाइए कि मैं कैसे मोक्ष पा सकता हूँ। और उसी समय गार्ड वहां आ गया। उसने चिल्लाया, यहाँ तुम अपने धर्म की बात नहीं कर सकते हो। उसने उस व्यक्ति को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं एकदम बेचैन हो गया, क्योंकि बहुत सी बातें थी जो उनको मुझसे कहना था और मुझे उनसे। मैंने दुआ मांगी कि प्रभु हमें अगला अवसर दे। आजीवन कारावास की सजा मिले कैदियों का यूनिफॉर्म लाल रंग का था। जब मेरा वकील मुझसे मिलने आया तो मैंने उनसे मेरे लिए लाल रंग का शर्ट लेकर आने के लिए कहा। मुझे लगा कि अगर मैं उनके जैसे रंग का कपड़ा पहनूं तो जब हम बात करेंगे तो गार्ड हम पर उतनी नजर नहीं रखेगा। जब अगली बार मैंने उन चार कैदियों को देखा तो पूछा, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा? उन लोगों ने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या तुम अपनी मूर्तियों से हमेशा के लिए मुंह फेरते हो और यीशु को अपने जीवन में प्रभु स्वीकार करते हो? क्या तुम मानते हो कि यीशु के लहू से तुम्हारे पाप धुल गए? उन लोगों ने साथ में जवाब दिया, हाँ हम विश्वास करते हैं। हमने साथ में दुआ मांगी और उन लोगों ने यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया। वो लोग मौत को पार कर जीवन की ओर बढ़ चले। मुझे पता था कि गवाने के लिए समय नहीं है। मैं उन लोगों को बाथरूम ले गया, वहां एक नल था। मैंने उन लोगों से नल के नीचे अपना सर रखने के लिए कहा। मैंने उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र रूह के नाम से बपतिस्मा दिया। मैंने उन्हें बताया कि इस दुनिया में कुछ लोग आजाद है, क्योंकि वो अनंत में नर्क के जेल में डाल दिए जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी जेल में है, मगर आज से तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताबों में लिखा जाएगा, तुम आजाद हो। मैं उन लोगों को बपतिस्मा दे ही रहा था, तब गार्ड दौड़कर बाथरूम में आया। उसने चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने भी वापस चिल्लाया, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़े परमेश्वर का सेवक हूँ। गार्ड वहां बिना कुछ कहे खड़ा रह गया। मैंने नए विश्वासियों को बताया कि आज से तुम्हें दूसरे कैदियों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार मिलता है। तुम्हें जो अद्भुत उद्धार मिला है उसके बारे में दूसरे कैदियों को बताओ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं 12 कैदियों को प्रभु में ला पाया, जिसमें से ताइवान से लाया हुआ यून मियू भी शामिल है, जिसे ड्रग स्मगलिंग की वजह से 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। जब वो पहले ताइवान के जेल में था, तब पहली बार प्रिजन मिनिस्ट्री टीम से उसने सुसमाचार सुना था। मैंने हर मुमकिन अवसर पर नए विश्वासियों को बाइबल की बेसिक कहानियां सुनाई। मैंने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। मेरी बीमारी की वजह से मैं 2 महीने जेल में रहा। महामारी से ग्रसित हो मैं 5 दिन के लिए बेहोश हो जाने के कारण हॉस्पिटल पहुंचा। मैं अब उस बीमारी से ठीक हो गया था, मगर फिर भी मुझे बुखार, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रिक पेन भी होता था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये सब प्रभु के द्वारा और उनके अनुसार चल रहा था। कई बार बीच बीच में डॉक्टर मुझे देखने आते कि मैं ठीक हो गया हूँ कि नहीं, मुझे जेल वापस भेजने के मैं लायक हो गया हूँ कि नहीं। डॉक्टर के आने से पहले मैं एकदम सही रहता, मगर जब वो आते तो मेरा BP बढ़ जाता, बुखार और गैस्ट्रिक पेन होता। परमेश्वर का अनुग्रह नए क्रिश्चियन पर था, वो जल्द ही वचन में बढ़ने लगे। मैंने गाने के द्वारा कई बाइबल वचनों को नए भाइयों को सिखाया। हम गाना और बात चाइनीज में करते थे, इस वजह से गार्ड भी ये नहीं समझ पाता था कि हम बाइबल के वचन बोल रहे हैं। यहाँ तक कि गार्ड और डॉक्टर लोग भी हमारे गाने का आनंद उठाते थे। इन कैदियों की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए, सिर्फ यीशु ही वो कर सकते थे। नफरत और गुस्से से भरे ये लोग अब प्रभु के प्यार और दया से भर गए। वो रोगियों के लिए प्रार्थना करते और जितना उनसे हो सकता था दूसरे कैदियों से सुसमाचार बोलते। वो लोग मेरे यहाँ से जल्दी रिहा होने के लिए दुआ भी मांगते, ताकि मैं अपना मिनिस्ट्री का काम आगे बढ़ा पाऊँ। ये खूबसूरत दिन प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ था। सच कहूँ तो मुझे अब ये भी नहीं लगता था कि मैं जेल में हूँ। मैं अपने 7 साल की सजा के बारे में सोचता भी नहीं था। मेरी जिंदगी का हर दिन खुशी से भरा हुआ था। वो 7 साल मुझे वैसे लग रहे थे जैसे याकूब ने 7 साल
राहेल के लिए इंतजार किया। उत्पत्ति 29:20। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वो उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े।